प्रकाश जोशी हूँ, मैं नजफगढ़ से आया हूँ और मेरी वाइफ के सिर में ट्यूमर था जो डॉक्टर निशांत ने जिसका ऑपरेशन वगैरह कर करके सब अच्छा हो गया है और मैं दोबारा रूटीन चेकअप के लिए भी आया हूँ। अब भी बिल्कुल टांके वगैरह सब चीज़ फिट है और ना आवाज़ गई है और ना कान का सुनना गया है ना आंखों की रोशनी गई है। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हुआ है। अच्छा सही है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है सब बढ़िया। तो बेसिकली शांति जी का जो मेन कंप्लेंट थी कि उनको हेडेक होता था यहाँ पे और नीचे की तरफ भी आ रहा था, काफ़ी सिवियर था और डिटेक्शन में ट्यूमर आया बिल्कुल माथे के पीछे अंदर, ब्रेन के अंदर बट माथे के इस साइड में। तो जनरली लोगों को विश्वास नहीं होता कि कितनी एडवांस हो गई है अभी आजकल न्यूरोसर्जरी। तो इनको माइक्रोस्कोपिक अप्रोच से, माइक्रोस्कोप से देख के हमने इनका ट्यूमर एक्सेशन किया है एंड इसमें मेरा एक पर्टिकुलर फोकस रहता है कि पेशेंट को वापस सोसाइटी में जाने पर कभी ना लगे कि लोग मुझे किस नज़रों से देखेंगे, लोगों को ऐसा लगेगा कि इनकी तो ब्रेन ट्यूमर सर्जरी हुई है। ऑब्वियसली आप पार्क में घूमते हो, बाहर जाते हो, ऑफिस जाते हो तो लोग पूछते ही हैं। बहुत बार लोग जब वापस ऑफिस में जाते हैं खासकर तो उनकी प्रमोशंस नहीं होती, ये सब चीज़ें मेरे पेशेंट्स बहुत बार बताते थे मुझे ड्यूरिंग माई अर्ली ईयर्स। तो इसलिए हमने टेक्निक्स अब डेवलप की है जिसमें आप देखेंगे कि बाल की शेविंग भी बेरली हुई है, कुछ बाल की शेविंग ही नहीं हुई है। पेशेंट्स के टाके हमने जो लगाए हैं वो घुलने वाले टाके हैं, जो पेशेंट के जब बाल धोता है अपने तो धीरे धीरे करके अपने आप टाके भी निकल जाते हैं। जो इंसिशन का साइज है, जो कट का साइज है वो भी छोटा होता है। एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज जो अंदर जो कट्स हैं जो ब्रेन को के पास पास लगते हैं वो काफी छोटे हैं कंपेयर टू पहले जो हुआ करते थे। तो जब पेशेंट वापस जाता है सोसाइटी में ऐसा लगना चाहिए कि जैसे कोई गॉलब्लैडर की सर्जरी हुई है या कोई घुटने की सर्जरी हुई है। इसको लेकर कभी पेशेंट को फील नहीं होना चाहिए कि भाई हमने कोई सर्जरी, हमारी सर्जरी कुछ हुई है, या लोगों को नहीं लगना चाहिए कि यू नो कि कोई स्टिग्मा है, कोई प्रॉब्लम है। एंड आई थिंक विद शांति जी हमारा ये बहुत अच्छा, आई थिंक बहुत सक्सेसफुल रिजल्ट आया है। आई एम वेरी हैप्पी एंड होपफुली फ्यूचर में यू नो लाइफ बहुत अच्छी रहे इनकी। दैट इज माई ओनली विश। सो थैंक यू। थैंक्स।